हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ पवनदीप सिंह हैं। ये हमारे साथ हमारी अमृतसर ब्रांच में हमारे साथ जुड़े थे। इनका आज स्पेन का वीज़ा आया है। सो पवनदीप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू मैम। सो पवनदीप, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी और कोर्स में अप्लाई किया है? मैंने स्पेन में वीगो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और उसी यूनिवर्सिटी में बीएससी कंप्यूटर साइंस में मेरा वीज़ा आज आया। सो आपको इंडो यूरोपियन के बारे में किसने बताया? मेरा फ्रेंड था, वो भी इसी के थ्रू ही इंडो यूरोपियन में आया था और उनका वीज़ा आया था और उसके थ्रू ही मैं इंडो यूरोपियन में आया और इसलिए मैंने जहाँ मैं विजिट किया और मैं अपना वीज़ा हासिल किया। सो पवनदीप, जो कमिटमेंट्स आपको हमारे ब्रांच लेवल पे मिली सर्विसेज को लेकर कि एडमिशन और वीज़ा की स्टेजेस पे आपको हेल्प मिलेगी, वो सारी कमिटमेंट्स पर क्या हमारी टीम पूरी उतर पाई? जब मैं इनरोलमेंट किया तो जो भी वीज़ा डॉक्यूमेंट थे और उसके बारे में पूरी इनरोलमेंट थी और उसके जरिए ही मैंने ये वीज़ा हासिल किया। तो क्या हमारी टीम आपको डिफरेंट स्टेजेस पे उन्होंने हेल्प करी आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, जैसे जो एडमिशन टाइम पे आपका इंटरव्यू होता है और जब आप स्पेन में आप अपनी फाइल सबमिशन कराने जाते हैं उस टाइम पर इंटरव्यू होता है, तो उस टाइम पर आपको टीम ने हेल्प करी पूरी? जी, टीम ने हेल्प की। सबसे पहले स्काइप इंटरव्यू हुआ था, उसके बारे में भी पूरी तैयारी करवाई थी। ओके। और बीएफएस में भी पूरी हेल्प की, इसलिए ठीक है सर्विस। ओके, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे सर्विसेज के बारे में जो आपको अच्छा लगा हो? सब ने यही सलाह है कि इंडो यूरोपियन एक बहुत बढ़िया सलाह है और सजेस्ट करते हैं तो सारे जने इतने आओ और अपनी कंट्री चुनो और वीजा हासिल करो। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच पवनदीप, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।